घाट में कोई खतरनाक है क्या? पटना सिटी में अभी तक तो कोई खतरनाक घाट नहीं मिला है। जो कुछ घाट हैं उसके अगल बगल जहां थोड़ा बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTU, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के कंगन घाट पर और छठ पूजा की तैयारियों के सिलसिले में पटना DM, पटना SSP और साथ ही DDC, पटना सिटी के तमाम अनुमंडल से जुड़े हुए तमाम, चाहे SDM हो, चाहे SP हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, पूरे लाव लश्कर के साथ पटना सिटी के विभिन्न घाटों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि इस पटना सिटी के घाट पर, मैं जिस स्थान पर, वो कंगन घाट है। कंगन घाट पर खास करके ज़्यादा जोर दिए हैं और जिस तरह का जो सकड़ी रास्ता, उसके बगल वाली जो रास्ता बंद है, वहाँ भी गए और बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि मुआयना किए हैं और निरीक्षण करके तमाम तरह के जो फॉल्ट है, जो रास्ता जो बंद है, उस पर भी काफ़ी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत जल्द उस कंगन घाट का रास्ता खुल जाएगी और साथ ही आज का इस दौरा निरीक्षण के दौरान पटना DM साहब जो खुद थे, वो काफ़ी गुस्से में थे। उनकी तेवर देखने से ही पता चलता है कि इस बार गुस्से के वजह है कि रास्ता, और साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद फिर पटना DM का बैड सुने, वो क्या कर रहे हैं। चलिए उनके सुनते हैं। क्या रास्ता यही सब करने वाला यही। अब जय जय जय। हाँ जय ना। हो सकता है ये दीवार हट जाएगा, चालू कर लेना। हाँ सर, करा दीजिएगा। हाँ
घाटों की स्थिति कैसी है? हाँ, घाटों की स्थिति इस बार बेहतर है, क्योंकि गंगा नदी का जो जलस्तर है वो पिछले साल की तुलना में लगभग 3 मीटर कम है, तो उसकी वजह से घाट बहुत अच्छे निकले हैं, बड़े बड़े घाट निकले हैं, तो कुल मिला के पिछले साल से बेहतर तैयारी है। और अभी तक 4 घाट हम लोग खतरनाक मिले हैं, जो राजापुर पुल घाट, LCT घाट आपका है उसी एरिया में, और बाकी सभी घाट ठीक हैं, सभी पर तैयारी अच्छी चल रही है, हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उसी का। आपका घाट का निर्माण, पानी में बैरिकेडिंग ताकि अधिक गहराई में लोग नहीं जाएं, और उसके बाद शौचालय, पेयजल, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, क्योंकि भोर में भी आते हैं लोग और देर शाम तक जाते हैं, वापस जाते हैं, तो ये सबको हम लोग देख रहे हैं। मेडिकल कैंप, नियंत्रण कक्ष, CCTV, ये सब सारी चीज़ें, वॉच टावर, तो सबका इंतजाम हम लोग देख रहे हैं। तैयारी अच्छी चल रही है और अभी समय है, 3-4 दिन तो कंप्लीट कर लिया जाएगा समय से। या पटना सिटी के घाट में कोई खतरनाक है क्या? पटना सिटी में अभी तक तो कोई खतरनाक घाट नहीं मिला है, जो कुछ घाट हैं उसके अगल बगल जहाँ थोड़ा बहुत ठीक स्थिति नहीं है उसको लाल कपड़े से घेर दिया गया है, उधर लोग नहीं जाएं, बाकी घाट सभी ठीक हैं, फंक्शनल है। बात है कि पटना सिटी के तमाम जो घाटे हैं वो खतरनाक नहीं है। पटना के कुछ 4 घाटों का वो नाम बताए हैं, और जब आप पटना सिटी के घाटों पर अगर आप छठ पूजा करने के लिए घाट पर आएंगे तो आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और काफ़ी बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन हाँ, जब वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ गए थे, जो स्थान को अभी फ़िलहाल बंद किया गया, उस स्थान को भी बहुत जल्द खोलने का विचार वो कर रहे हैं। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।